हाँ बेटा देखिए हम लोग उडोगोनियम का एंथ्रीडियम पढ़ने जा रहे हैं आज के डेट में ठीक है उडोगोनियम का एंथ्रीडियम पढ़ने जा रहे हैं पीछे का पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं ठीक है ठीके? अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे का जाकर वीडियो देख लें समझ में आ जाएगा यहाँ लिखा हुआ है मैक्रेंडस स्पीसीज फॉर्म टर्मिनल एंड इंटर कैलरी एंथ्रीडिया बाई डिविजन ऑफ एंथ्रीडियल मदर सेल याद रखो बेटा जो मैक्रेडस जाती है उडोगोनियम की <coughs> वो कोई भी मतलब टर्मिनल सेल भी एंथ्रीडिया बना सकता है ठीक है या इंटर कैलरी सेल भी कोई भी सेल एंथ्रीडिया बना सकता है ठीक है और हम किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रेंडस एस्पेसीज की ये लिख रखा है मैक्रेंडस एस्पीसीज फॉर्म टर्मिनल और इंटरकैलरी मैजिस्ट्रेट एंथ्रीडिया बाई डिवीजन ऑफ एंथ्रीडियर मदर सेल अब आगे देखिए एनी सेल एनी सेल ऑफ फिल्मेंट ऑफ फिलामेंट विथ एपिकल कैप कोई भी सेल हो फिलामेंट की वो एंथीडियर मदर सेल का काम कर सकती है कोई भी सेल हो ओडोगियम के फिलामेंट की वो एंथीडियर मदर सेल की तरह काम कर सकती है ठीक है शर्त यह है कि उसके पास कैप कैप होना चाहिए एपिकल कैप उस सेल के पास होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा दिस सेल डिवाइड दिस सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड अपर स्मॉलर एंथ्रीडियल सेल एंड लोअर लार्जर सिस्टर सेल याद रखो बेटा जो भी सेल एंथीडिया बनाने वाली है जो भी सेल एंथीडिया बनाने वाली है सपोज दैट कि ये सेल एंथीडिया बना रही है इसके पास कैप सेल है अगर एंथ्रीडिया बना रही है तो ऊपर की छोटी सी इसमें डिवीजन होगा और ऊपर वाली छोटी सेल होगी जो बनेगी वो एंथरीडियल सेल बनाएगी क्लियर और नीचे की जो साइज़ में बड़ी सेल होगी ये वो सिस्टर सेल का बेटा ये सिस्टर सेल क्लियर हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर वाली छोटी सेल जो होगी <coughs> एंथ्रीडियल सेल और नीचे वाली सिस्टर सेल कल आएगी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चलिए चलिए द लेटर अंडर गो सेवरल ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म ट्वेंटी टू फोर्टी फ्लैट यूनियन न्यूक्लियट एंथ्रीडियल जो एंथ्रीडियल सेल है ठीक है जो एंथ्रीडियल सेल बनी हुई है ऊपर की ओर वो बार बार ठीक है उसमें कई पतले पतले डिवीजन होंगे जिससे 20 से 40 फ्लैट यूनी न्यूक्लियट सेल बन जाएंगे 20 से 40 फ्लैट यूनी न्यूक्लियट सेल बन जाएंगे ठीक है बेटा द न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रीडियम डिवाइड माइट्रोटिकली याद रखो जो एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस है जो भी सेल आगे जाकर के एंथ्रीडियम बनाने वाली है जैसे ये सेल अगर एंथ्रीडियम बनाने वाली है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करेगा बेटा वो डिवाइड होगा और दो न्यूक्लियस बना लेगा क्लियर और ये दोनों न्यूक्लियस जो होंगे मेटामार्फोसिस करके दो एंथ्रोजॉइड बना लेंगे ये दोनों न्यूक्लियस दो एंथ्रोजॉइड बना लेंगे ठीक बेटा ये दोनों दो एंथ्रोजॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग द न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रीडियम डिवाइड्स माइटोटिकली तो इंटू टू न्यूक्लियाई ईच गेट सराउंडेड बाई सम दोनों न्यूक्लियस थोड़ी मात्रा में कोशिका द्रव्य इकट्ठा करेंगे एंड मेटामारफोस इन टू एन एंथ्रोजोइडस ठीक है वो मेटामारफोसिस करेगा और एंथ्रोजॉय बना लेगा दस दस ईच एंथ्रीडियम प्रोड्यूस टू एंथ्रोजोइड्स यादरोविटा इस तरीके से मैकेड्रस जाति में हर एंथ्रीडियम दो एंथ्रोजॉय बनाएगा दो एंथ्रोजॉयड बनाएगा बट इन ओडोगोनियम कार्डियकम फोर एंथ्रोजोइडस आर फॉर्म यदरकोविटा अगर बात तुम ओडोगियम कार्डियकम की करोगे तो उसमें दो दो नहीं चार एंथ्रोजोइड बनने वाले हैं क्लियर इन एन एंथ्रीडियम इन एन एंथ्रीडियम आगे द एंथ्रोजोइड इज ए यूनिसेलुलर देखो बेटा यहाँ से हेडिंग चेंज हो जाएगी आप चाहो तो यहाँ हेडिंग बना सकते हो ठीक है द एंथ्रोजॉयड यहाँ लिखा हुआ है द एंथ्रोजॉय इज यूनिसेलुलर ठीक है ये यूनिसेलुलर है यूनि न्यूक्लियट है एंड मल्टी फ्लैजलेट स्ट्रक्चर ठीक है बेटा जो एंथ्रोजोइड है वो क्या है आप इसको देखेंगे आप तो एंथ्रोजोड यूनि एंथ्रोजॉइड जो है वो यूनीसेलर है यूनि न्यूक्लियट है यानी एक कोष की एक केंद्र की और मल्टी फ्लैजलेट ठीक है मल्टी फ्लैजलेट मतलब उसमें ढेर सारे फ्लैजला होंगे स्ट्रक्चर है ठीक है ना आगे इट इज सिमिलर इट इज सिमिलर कौन सिमिलर है तो एंथ्रोजॉइड सिमिलर है समान है किसके समान है सिमिलर टू जू स्पोर्स वो जू स्पोर के समान है हो गया बट जू स्पोर बट फॉर इट्स स्मॉलर साइज एंड फ्यूअर फ्लैजला लेकिन अंतर क्या है दोनों में जू स्पोर और एंथ्रोजॉइट में अंतर क्या है एंथ्रोजॉइट का साइज छोटा है बेटा इंथ्रोजॉइट का साइज़ छोटा है एज वेल एज उसमें फ्लैजला के नंबर कम है इट इज़ येलोइ इन कलर याद रखो बेटा जो इंथ्रोजॉइट है ठीक है उसका रंग जो होगा पीला होगा क्यों क्योंकि प्लास्टिड इसमें कम रहेगा लाइक like जू स्पोर लाइक like जू स्पोर द एंथ्रोजॉइट्स आर आल्सो लिबरेटेड बाई ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग जैसे जूसपोर बाहर निकला था आप पीछे की वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा जैसे जूसपोर की का लिब्रेशन हुआ था बिल्कुल वैसे ही एंथ्रोजोड भी जो होगा एंथ्रोजॉय भी होगा वो साइड की वॉल स्प्लिट करेगी एंथ्रीडियम की साइड की दीवार जो होगी वो फटेगी और एंथ्रोजॉइट बाहर आ जाएगा जब एंथ्रोजॉइट बाहर आएगा तो एक पतली सी झिल्ली के अंदर ठीक है एक पतले मेम्ब्रेन कोमल मेम्ब्रेन के अंदर वो मौजूद रहेगा यानी एंथ्रोजोइ्स एक झिल्ली के अंदर कुछ देर तक रहेगा और बाद में वह झिल्ली जो होगी वो डिजोल्व हो जाएगी जो हाइलाइन वेसिकल है वो वेसिकल की जो दीवार होगी वो घुल जाएगी और एंथ्रोजो पानी में स्वतंत्र हो जाएगा एट द टाइम ऑफ लिबरेशन ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग ये तो बात जो थी ऊपर की हम लोग जो पढ़े वो मैक्रंडर्स जाति की थी ठीक है आगे लिखा हुआ है एज मेंशन एज मेंशन अर्लियर जैसा बताया गया ऊपर इन नैनेंड्रस स्पीसीज नैंड्रस जाति में एंथ्रीडिया डेवलप इन स्पेशलाइज स्मॉल टू टू सेल टू टू फोर सेल फिलामेंट याद रख बेटा बात जब मैक्रंड्रस की नहीं नैनिडस की हो रही है जैसा पहले बताया गया है एज मैंसन अर्लियर पहले बताया गया है इन नैनेंड्रस स्पीसीज द दे एंथ्रीडिया डेवलप इन स्पेशलाइज स्मॉल एंथ्रीडिया जो विकसित होता है वो छोटे फिलामेंट पर होता है बेटा यानी नैनड्रस जाति जो है वो छोटा सा फिलामेंट बनाती है ठीक है और उस छोटे फिलामेंट पे एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं वह छोटा फिलामेंट दो से चार कोशिकाओं वाला होता है वो छोटा फिलामेंट जो है वो दो से चार कोशिकाओं वाला होता है नोन एज डॉफ मेल नोन एज डॉफ मेल द डॉफ मेल्स डेवलप फ्रॉम एंड्रोस्पोर्स याद्रखटा जो डॉर्फ मेल है वो एंड्रो से विकसित होता है जो डॉर्फ मेल है वो एंड्रो से विकसित होता है फॉम्ड इन फॉम्ड इन एंड्रोस्पोरेंजिया फिर से बात बेटा डॉर्फ मेल जो है वो एंड्रोस्पोर स्पोर से विकसित होता है और एंड्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजिया बनाता है और एंड्रोस्पोरेंजिया बनाता है बेटा फिर आगे बढ़ रहे हैं सम फॉर्म्ड इन एंड्रोस्पोर एंड्रोस्पोर जो हैं वो एंड्रो से डेवलप होते हैं सम एंड्रो स्पीसीज हो गया वेयर एंड्रोस्पोरेंजिया स्पोरेंजिया एंड ऊगोनिया डेवलप ऑन सेम उगोणिया डेवलप ऑन सेम फिलामेंट यहाँ देखो बात कर रहा है बेटा ठीक है यहाँ बात कर रहा है कि इसको जो ध्यान से अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो ऊपर ये उगोणिया है और नीचे आप देखिए एंड्रोस्पोरेंजिया ये सब जो है वो एंड्रोस्पोरेंजिया है अब इसी एक एंड्रोस्पोरेंजिया को हम लोग यहाँ देख रहे हैं और एंड्रोस्पोरेंजिया से अगर आप ध्यान दोगे तो एंड्रोस्पोरेंजिया से एक एंड्रोस्पोर स्पोर यहाँ निकल रहा है अब ये एंड्रोस्पोर आ करके कोई भी फिलामेंट हो या वही फिलामेंट हो उसके ओगोनियम के निचले वाले सेल पे जर्मिनेट हो रहा है ये एंड्रोस्पोर जर्मिनेट हो रहा है और इसके जर्मिनेशन से डॉर्फ मेल पैदा हो रहा है आप इसको देखिए डॉर्फ मेल पैदा हो रहा है ये जो डॉर्फ मेल है ये कितना लंबा है तो डॉर्फ मेल की लंबाई आपको ये देख सकते हैं आप सबसे नीचे की सेल बेसल सेल है और ऊपर की सेल एंथ्रीडिया बना रही है ऊपर की सेल एंथ्रीडिया बना रही है अब ये एंथ्रीडिया जो होगा बिल्कुल मैक्रेंड्रस स्पीसीज के एंथ्रेडिया की तरह ही होगा मैक्रेंड्रस स्पीसीज के एंथ्रेडिया की तरह ही होगा और जब इसमें एंथ्रोजोइट बन जाएगा तो ये एंथ्रोजुआइट लिबरेट होगा और उगोनियम तक पहुँच जाएगा ठीक है एंथ्रोजोइट लिबरेट होगा और उगोनियम तक पहुंच जाएगा इसी को हम लोग नीचे पढ़ने जा रहे हैं ठीक है यहाँ इसने क्या लिखा हुआ है कि एंड्रोस्पोरेंजिया और उगोनिया एक ही फिलामेंट पे है अगर ऐसा होता है तो ऐसे फिलामेंट को हम लोग गाइनेंड्रोस्पोरस कहते हैं अगर एक ही फिलामेंट पर एक ही फिलामेंट पर उडोगियम के एंथ्रीडियम भी है एंड्रोस्पोरेंजिया भी है और क्या बोलते हैं उगोनियम भी है तो उसे हम लोग गायनेड्रोस्पोरस कहते हैं गाइनेड्रोस्पोरस कहते हैं एंड दोज वेयर द टू आर बॉर्न ठीक है जिस पे जैसे मान लो कि मेल और फीमेल फिलामेंट अलग अलग हो रहा है ऑन डिफरेंट फिलामेंट आर डिजिग्नेटेड एज आइड्रो एंड्रोस्पोरस होता है बेटा अगर अलग अलग फिलामेंट पर अगर अलग अलग फिलामेंट पर क्या विकसित होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन विकसित होता है तब उसे हम लोग आइड्रो एंड्रोस्पोरस करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोस्पोरेंजिया इज सिमिलर टू दोज एंथ्रीडिया इज सिमिलर टू दोज ऑफ एंथ्रीडिया इन मैक्रेंड्रस स्पीसीज याद रखो बेटा जो एंड्रोस्पोरेंजिया है वो मैक्रेंड्रस स्पीसीज के एंथ्रीडिया की तरह ही दिखाई दे रहा है एंथ्रीडिया की तरह ही है ठीक है एक्सेप्ट दैट ओनली वन एंड्रोस्पोर इज प्रोड्यूस पर एंड्रोस्पोरेन्जियम लेकिन अंतर यह है कि एंड्रोस्पोरेंजिया जो है एंड्रोस्पोरेंजिया जो है वो केवल एक एंड्रोस्पोर पैदा करता है बेटा केवल एक एंड्रोस्पोर पैदा करता है जबकि एन्थ्रीडियम दो एन्थ्रोजायट्स पैदा करता है ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं द न्यूक्लियस द न्यूक्लियस ऑफ एंड्रोस्पोरेन्जिया डज नॉट डिवाइड एंड प्रोटोप्लास्ट मेटामार्फोस इंटू अ सिंगल यूनी न्यूक्लिएट मल्टीप्लेजलेट एंड्रोस्पोर यह द्रवोटा बात यहाँ एंड्रोस्पोरेंजिया की हो रही है ठीक है इसका जो केंद्रक है इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड नहीं करता डज नॉट डिवाइड और इसका जो जीवद्रव्य होता है अगर विभाजन तो किया नहीं उसने उसका जो जीवद्रव्य है वो पूरा का पूरा जीवद्रव्य मेटामार्फोसिस करके मेटामोस कायांत्रण करके एक यूनी एक केंद्रक वाला एक एक केंद्रक वाले मल्टीप्लेजलेट एंड्रोस्पोर में बदल जाता है एंड्रोस्पोर में बदल जाता है ठीक बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग द एंड्रोस्पोर वेन लिबरेटेड फ्रॉम एंड्रोस्पोरेंजियम जब यह एंड्रोस्पोर एंड्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकलता है एंड्रोस्पोर कहाँ बना है एंड्रोस्पोरेंजियम में जब वो एंड्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकलता है इट आल्सो इन्क्लोज अ वेसिकल यह भी एक थैली में कुछ देर के लिए बंद रहता है पतली थैली में द वेसिकल सोन डिजोल्व जल्दी ही वो थैली जो होती है वो घुल जाती है डिजोल्व हो जाती है और एंड्रोस्पोर एंड एंड्रोस्पोर स्विम फ्रीली फॉर सम टाइम और एंड्रोस्पोर बाहर आ जाता है पानी में और कुछ देर तक स्वतंत्रतापूर्वक तैरता है इट इज़ अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली टूवर्ड्स द ओगोनियल मदर सेल याद रखो बेटा ये जो एंड्रोस्पोर है जो पानी में आ गया जल में आ गया है वो रासायन मतलब ओगोनियल मदर सेल के द्वारा निकलने वाले रासायनिक पदार्थ की ओर आकर्षित होता है यानी ओगोनियल मदर सेल जो है वो रासायनिक पदार्थ मुक्त करती है जिसकी ओर ये एंड्रोस्पोर जो होता है तैरते हुए चला जाता है एंड गेट अटैच इट्स ठीक है वो वहां जाकर के मदर मदरसर से जुड़ जाएगा या किसी और कोशिका अगल बगल किसी और कोशिका से अटैच हो जाएगा जुड़ जाएगा अपने अगले सिरे से Then, it germinate to form. इसके बाद ये जो एंड्रोस्पोर है वो अंकुरित होता है इसके बाद देन इट जर्मिनेट टू फॉर्म अ डॉर्फ मेल वो अंकुरित होता है और एक बौने नर को बनाता है और एक बौने नर को बनाता है अंकुरित होकर के एक छोटा सा नर बनाता है द डॉर्फ मेल हैज बेसल होल्ड फास्ट जो डॉर्फ मेल है उसके पास नीचे की ओर होल्ड फास्ट है ठीक है होल्ड फास्ट मतलब स्थापनांग होता है जिससे वो किसी भी कोशिका से जुड़ा होता है नीचे की ओर एंड वन और मोर एंथ्रीडिया एक होल्ड फास्ट हो गया और एक या एक से अधिक एंथ्रीडिया लगे रहते हैं उस डॉर्फ मेल में ठीक है द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंथ्रीडियम डिवाइड टू फॉर्म टू एंथ्रोजायट्स फिर बात यही हो गया जैसे मैक्रेंडरस जाति में क्या होता है बेटा एंथ्रीडिया का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था और दो एंथ्रोजॉइट बनाया था बिल्कुल यहाँ पर भी एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड होता है और बनाता है टू फॉर्म टू एंथ्रोजॉइट्स टू एंथ्रोजॉइट्स ठीक है बेटा ये जो एंथ्रोजॉइट्स हैं वो कैसे हैं ये एंथ्रोजॉइट्स जो हैं वो विच आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ टू दोज प्रोड्यूस बाई मैक्रेंड्रस स्पीसीज ठीक है ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं जो नैनन्ड्रस एंथ्रीडिया से विकसित हुए हैं नैनन्ड्रस एंथ्रीडिया से विकसित हुए हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैक्रेंड्रस स्प्रे मैक्रेंड्रस जातियों के एंथ्रीडिया से मिलने वाले एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ठीक बेटा ये जो वीडियो है मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ अगले वीडियो में हम लोग ओगोनियम जल्दी ही पढ़ेंगे आप इसे देखते रहिए ठीक है और समझ में आए तो पीछे कमेंट के थ्रू क्वेश्चन